What are your strengths and weaknesses? सर सबसे चुतिया सवाल है सर. सबसे पहले तो कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं. Yes, I'm telling you. Why would I tell you my weaknesses? मैं आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के नाम पर बताऊंगा. यू नो जैसे कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं. आई एम इनोसेंट. मैं वर्कोहलिक हूं. अब भाई चुप. बहन के लौड़े. ये क्या है इंग्लिश 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 लगा रखा है बे. 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे. खुद तो साला कभी स्कूल गए नहीं, इसने अपनी गांड घिस घिस के मुझे अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया. और कहने के लिए साला हमारा स्कूल अंग्रेजी मीडियम था, लेकिन साला हमारे खुद के टीचर लोग हिंदी में बात करते थे. हमारे स्कूल के बच्चे एक दूसरे को देख के यो व्हाट्स अप ब्रो ऐसा बात नहीं करते. क्या बोगरा तेरा रंडा आजकल है, ऐसे गले मिलते. साला टेंथ तक रट्टा मार मार के यहां तक पहुंचे तो पता चला जिंदगी में सफल होने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग. सब यही कहते थे, मां बाप, टीचर्स, यहां तक हमारी गली का वॉचमैन भी हमसे ये पूछता था, और भैया रख कैसी चल रही तुम्हारी तैयारी, भैंचो तुमको क्या करना है. इसलिए हम सब बच्चे लोग पहुंच गए 10वीं के बाद बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT. अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते हुए देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है. I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shot down by my throat, by my teachers. My hands were back to my back by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मादरचोद तो सुन. 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में बिता दिए. ना तो कुछ खेले ना तो कुछ सीखे. और जब यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते तो आ हा मरे हुए फूल खिल उठते हैं. हवा में ऑक्सीजन की मात्राएं बढ़ जाती इनकी अंग्रेजी सुन के. वाह 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 वाह. और ये सारी लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लॉन्डो को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है. तुझे क्या लगा बे? मुझे कभी लगा नहीं कि अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं. बहुत लगा. ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 एग्जाम, हर एग्जाम में प्रैक्टिकल, लेबर, आर्टवर्क, इंटरनल एक्सटर्नल थियरी, मेजर्स माइनस थियरी, थीसिस, गांड मार के रखे हो हमारी, साला महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद हमारा परसेप्शन बना देते हो कैसे रहना चाहता है. अबे बिना लड़कियों से बात करे, बिना इंग्लिश बोले कौन गांडू रहना चाहता है वैसे. लेकिन टाइम कहां है, 3-3 भाषाएं सीख रहे हैं, इंग्लिश छोड़ के कोडिंग में लगे पड़े हुए हैं. लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो सबको एटीट्यूड चाहिए, सबको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. हैं? इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीकिंग इंग्लिश सर, इट इज दैट वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आर डिक्शन एंड आर प्रोनाउंसिएशन. एंड इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आर कंट्री फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट रादर देन जस्ट ट्रीटिंग अस लाइक अ स्लेव ऑफ अ गॉडडैम फैक्ट्री व्हिच इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग आउट देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस पॉइंटलेस HR इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ ओनली व्हिच एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. हेलो सर, बोल दी मैंने 4 लाइन अंग्रेजी में. और अब बताइए, क्या मैं आपके इस बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी के स्लेव बनने के लायक हूं? डू आई हैव द कैलिबर टू बिकम अ स्लेव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन?